हेलो एंड वेलकम टू सुनैना वंडरलैंड। आज की हमारी रेसिपी है खरबूज की। ये बहुत हेल्दी रेसिपी मानी जाती है, बचपन से हम ये खा रहे हैं। जब भी दूध वाले से हम पूछा करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मिलेगा तो जरूर लाके देता है और हम ये बनाते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। तरह तरह के काढ़े पीने से अच्छा जरूरी है कि ये हम नेचुरली जो फूड हमें मिलता है मात्र प्रकृति से, तो जरूर लेना चाहिए। मुझे आज भी याद है बचपन की वो बात, जब हमारी माँ बनाती थी बचपन में तो मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी देती थी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जितना इम्यूनिटी बूस्टर पावर रहता है सेम इम्यूनिटी बूस्टर पावर यही रेसिपी में है। ये रेसिपी जरूर देखिए, अपने दूध वाले से जरूर पूछिए कि कोलेस्ट्रॉल मिल्क वो देंगे कि नहीं देंगे। अगर कोई मिल्क पैसे से देता है, कोई फ्री में देता है तो जरूर बनाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और वीडियो देखिए, उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए। खरबूज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए कोलेस्ट्रॉल मिल्क, यानी अगर गाय या भैंस का जो बच्चा होता है उस पहले और दूसरे और तीसरे दिन का जो दूध आता है उसको कोलेस्ट्रॉल मिल्क बोलते हैं। ये दूध बहुत हेल्दी रहते गाय और भैंस के बच्चों के लिए भी, साथ में ह्यूमेंस के लिए भी बहुत अच्छे रहते। सिर्फ प्रेग्नेंट वीमेंस ये नहीं खाना चाहिए, ये खरबूज ये जो चीज़ इससे बनी रहती है वो नहीं खानी चाहिए, बट ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाएं ज़रूर ये चीज़ खानी चाहिए। उससे ब्रेस्ट फीडिंग में इंक्रीज होता है, दूध अच्छे से आता है बच्चों के लिए। और ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, इससे गट बैक्टीरिया भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गट बैक्टीरिया ये रहता है जो बाइल जूस में हमारे इसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करती है, तो ये ज़रूर खानी चाहिए। ये नॉर्मली अभी कोई बना नहीं रहा है क्योंकि मिलता नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, पर अगर आप दूध वाले से पूछोगे तो ज़रूर देगा। इसकी कोई चार्जेस भी नहीं लेता, कोई चार्जेस लेता है, अब मेरे दूध वाले ने चार्जेस नहीं लिए हैं इसके। आप देखिए, आप मिलता है तो ज़रूर बनाइए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है ये। अब इसको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल रेसिपी है। जितना हमें मीठा चाहिए उतनी शुगर डालिए इसमें, शुगर के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। शुगर का पाउडर है तो आपके पास ऑलरेडी रेडी, खरीदने से इतने में नहीं लिया है। हम ज्यादा मीठा नहीं खाते, इसलिए मैंने कम शक्कर डाला है यहाँ पे। इससे आपका बेली फैट भी रिड्यूस होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, साथ ही आपके स्ट्रेच मार्क्स भी चले जाएंगे। स्ट्रेच मार्क्स इसको लगा के नहीं, इसको खा के चले जाएंगे, क्योंकि बेली फैट अगर कम होगा तो पेट में स्ट्रेचिंग आएगी, स्ट्रेचिंग आने से अपने आप स्ट्रेच मार्क्स चले जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स कम करने का एक ही इलाज है, अपने पेट को कम कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, बस वही इलाज है इसका। तरह तरह के काढ़े पीने से अच्छा है जो हमारे नेचर ने हमें नेचुरली जो अवेलेबल इम्यूनिटी बूस्टर फूड जो दिए है वही आप ले लीजिए। यहाँ पे हमारी शक्कर अच्छे से इसमें घुल गई है, ऊपर से डाल के शक्कर और इलायची का जो पाउडर बनाया मैंने वो। एडिशनली आप इसमें कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, जैसे केसर का हो गया है, नटमेग का हो गया है, और या फिर सिनेमन का भी पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं, पर ये नेचुरली ये बहुत हॉट रहता है खाने में, इसका प्रॉपर्टीज जो रहती है गर्म रहती है, इसलिए गुड़ के साथ, नटमेग के साथ और सिनेमन के साथ मैं नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं शुगर और कार्डेमम का यूज़ करती हूँ यहाँ पे से। अब क्या करना है, इसे टाइटली पैक करना है यहाँ पे, ऊपर से लीड भी लगानी है, और प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटी आने तक हमें इसको पकाना है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी, और अगर पहले दिन का कोलेस्ट्रॉल मिल्क है तो आपको इसमें जितना कोलेस्ट्रॉल मिल्क है उतना नॉर्मल मिल्क मिलाना पड़ेगा। अगर दूसरे या तीसरे दिन का है तो कोई जरूरत नहीं है, 5 से 6 पीसेस आने दीजिए इसको, अपने आप पक जाएगा, अच्छा बनेगा ये।
बस ध्यान रखिए, लीड लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने इंडक्शन पे रखा है कुकर, प्रेशर कुकर फंक्शन पे रखूंगी मैं 5 to 6 विसल आने तक के। प्रेशर कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया है, आप देखिए इसमें पानी आ गया है। ये पानी अगर हम लीड नहीं लगाते तो उसमें चला जाता और पूरा घरवर खराब हो जाता हमारा। अब निकाल लेते हैं पहले लीड को। चेक करने के लिए सेम एज एक के जैसे नहीं डाल के देखना है हमें, बर्फी का रूप ले लेगा। इसमें इसकी सर्विस हमारा रेडी है, चाकू को भी कुछ चिपका नहीं है, तो रेडी है। हम निकाल लेते हैं इसको। ये खरबस हमारा रेडी हो गया, इसको हम कट करते हैं। माँ के दूध में जितनी इम्यूनिटी पावर रहती है, यही दूध में इतनी इम्यूनिटी पावर है। इससे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है ये। इसके ऐसे बर्फी की जैसे पीसेस कट होते हैं। ये जो है काला इलायची पाउडर जो डाला था हमने, वो सेटल डाउन हुआ नीचे। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी बूस्टर का ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर बचपन में आपने ये खाया है तो अभी भी फिर से बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि रेसिपी अच्छी लगती है क्या। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।